गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं दोस्तों मेरी आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों एक बार फटाफट से बता दीजिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सॉरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून विशेष सिद्धिकी ठीक है जैनुल आद्या निशी ध्याना संजना विजय जाना सभी को गुड आफ्टरनून वेरी वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों और आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दोस्तों और आप सभी को जानते हैं यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं मेरा नाम प्रशांत तिवारी है मैं लगातार ऐसे कई सारे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आज जो है दोस्तों आज इस लेक्चर में हम क्या कम्प्लीट करने वाले हैं आपका इंडियन थिएटर पूरा कम्प्लीट कर लेंगे दोस्तों क्या कर लेंगे इंडियन थिएटर पूरा कम्प्लीट कर लेंगे गुड आफ्टरनून मैं अच्छा हूँ एकदम आप सभी के सभी जाकर ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों रेगुलर अपडेट्स के लिए रेगुलर क्लासेस के लिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ठीक है प्रशांत तिवारी जाके सर्च करिए जो ए आई आर इस बार टू हैं दोस्तों आप सभी को पता है रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी के मन में बहुत सारी बेचैनियाँ बहुत सारी उत्कंठाएँ शुरू हो चुकी होंगी आएगी विशेष आएगी टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्त दो तीन दिन से तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था दोस्त इस कारण से नहीं हो पा रहा था ठीक है तो ए आई आर टू ऑल इंडिया रैंक टू जो जागृति अवस्थी मैम है वो आपके अन अकेडमी की तरफ से ही है आप देख सकते हैं अन अकेडमी के टॉप फिफ्टी के अंदर में सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों ये कॉम्बैट बहुत ही शानदार एक कॉम्बैट चल रहा है दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हर संडे को कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों पी आर ए एस एच आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोड आपको यही अप्लाई करना है प्रणाम सभी को प्रणाम जल्दी से शुरू करते हैं अपने इंडियन थिएटर को कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ पहले इंडियन थिएटर करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखेंगे ठीक है और उसके बाद में हम क्या करेंगे धीरे धीरे हम आज यहां पर जो इंडिया के अंदर में जो थिएटर में पढ़ना शुरू करेंगे थिएटर की फोटो भी ऐसी लगा रखी है ना तो सबसे पहले इंडियन थिएटर के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों थिएटर है क्या एक ऐसी जगह जहां पर लोग बैठे हो और वो देख रहे हो सामने कोई परफॉर्म करा उसको हम थिएटर बोलते हैं तो इंडिया के अंदर में क्या एशियन टाइम में भी थिएटर होते थे जहां पर कल्चरल परफॉर्मेंस की जाती थी तो जी हाँ दोस्तों जोगी मरा केव्स के अंदर में और सीताबेना इनके अंदर में हमें पता चलता है कि ये ओल्डेस्ट एम्फी से दोस्तों दोस्तों प्लीज ये याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद रखिएगा जोगी मरा केव सीताबेना इनमें सबसे ओल्डेस्ट जो एम्फी थे उनके बारे में पता चलता है दोस्तों और अगर और डिटेल में जाए तो नाट्य शास्त्र में ऑलरेडी कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि भारत मुनि के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र ठीक है दोस्तों उसके अंदर में भी है दोस्तों ब्रह्मा जी ने जो लिखा था क्या नाट्य वेद उसके अंदर में भी आता है दोस्तों दोस्तों प्लीज ये ये सारे सारे के सारे के एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है है फैक्ट याद रखिएगा ठीक तो अब शुरू करते हैं क्लासिकल संस्कृत थिएटर दोस्तों जब हमारा देश पुराने समय में मतलब जब मुगल आए उससे पहले यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिकल थिएटर चल रहा था संस्कृत से रिलेटेड फिर संस्कृत का डिक्लाइन होना शुरू हुआ इवन मेन्स में क्वेश्चन आ चुका है आपके

इसका संस्कृत वर्ड था नाटका नाटक वहां से इसको लिया गया था दोस्तों समझ रहे हैं ना दोस्तों और यहां पर जो नाटक के अंदर में जो परफॉर्म करता है उसे नट एन ए टी ए वो कौन सा था डांसर उसको बोलते थे ठीक है दोस्तों क्लियर है और इस समय पे रूप का दृश्य काव्य प्रेक्ष काव्य ये सारे के सारे क्या होते थे ड्रामा वो को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स यूज किए जाते थे प्लीज दोस्तों इन वर्ड्स को याद रखना आपके एग्जाम में हो सकता है रूप का दृश्य काव्य प्रेक्ष है आप समझ रहे हो ना थिएटर क्या है जहां पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं ड्रामा क्रिएट कर उस ड्रामे को करने के लिए क्या होती होगी कोई स्टोरी होती होगी और इस साल जिन ने दोस्तों हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दिया है उन सभी को पता है इस बार अभिज्ञान कालिदास जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों को हमेशा ध्यान दिया करो कि कौन सी बुक किसने लिखी है दोस्तों अब जैसे उस समय पे देखा जाए तो एक लोक धर्नी। लोक धरनी धरनी का मतलब क्या होता है धर्मी लोक धर्मी यानी कि डेली लाइफ के बारे में डिपिक्शन किया जाता था उस ड्रामा के अंदर में नाट्य धर्मी ये क्या होता था दोस्तों इसके अंदर नरेशन किया जाता था सिंबल होते थे अश्वघोषक ये प्लीज याद रखना सारी पुत्र परकना द्वारा अशोक के द्वारा जो लिखा गया था दोस्तों प्लीज़ याद रखना, इसको परफॉर्म किया जाता था, था ड्रामा के अंदर बहुत ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अश्वघोष ठीक है दोस्तों क्लियर है ये संस्कृत ड्रामा का एग्जाम्पल मिलता हमें ठीक है और ऐसे ही आगे आता है एक भाष जो समय थे भाष जो नाटककार थे उनके लिखी हुई कई सारी प्लेज आते हैं जिसमें तेरह प्लेयर्स उन्होंने लिखे थे कब थर्ड और फोर्थ सेंचुरी के आसपास में ये सारे प्लेयर्स उन्होंने लिखे थे कालिदास मैंने ऑलरेडी कहा दोस्तों यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मालविका अग्निमित्रम विक्रम वंशी शकुंतलम ये सारे के सारे कालिदास जी के द्वारा लिखे गए थे उस समय पर दोस्तों प्लीज याद रखना दोस्तों मालविका अग्निमित्रम विक्रम वंशी शकुंतलम प्लीज याद रखिएगा दोस्तों डबल स्टार मार्क करो इस चीज को क्लियर है यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है

वहां पर पूछा गया कि ग्रीक जो थिएटर्स थे और इंडियन जो थिएटर्स थे उनके बीच में फर्क क्या था तो ग्रीक जो थिएटर थे दोस्तों वहां का जो एंडिंग होती थी ना वो ट्रेजेडी के तहत होती थी राजा मर गया हीरो मर गया वो जीत नहीं पाया ऐसे होता था जैसे अभी आप सबने रिसेंट मूवीज देखी होंगी ना पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज कैसी होती थी हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज होती थी फिर ग्रीक मतलब कह लो

ट्रेजेडी होती थी प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा दोस्तों क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर है <coughs> यहां पे मेल होते थे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग प्रोग्रेशन डेवलपमेंट पॉज कंक्लूजन सारी चीजें होती थी प्ले, प्ले के अंदर में और एक एक चीज को डिफाइन कर रखा था प्ले शुरू होने से पहले रि रिचुअलिस्टिक चीजें शुरू होती थी वो परफॉर्म किया जाता था जैसे राग गाया जाता था गाना गाया जाता था फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन दिया जाता था पहले मेल पर्सन आके इंट्रोडक्शन देते थे फिर वो आते थे अपनी जो फीमेल काउंटर पार्ट है उनको इंट्रोडक्शन कराते थे फिर उसके बाद में जो वहां पर विलन है उसका इंट्रोडक्शन होता था ऐसे सारी चीजें होती थी समझ रहे हो दोस्तों रिचुअल होते थे कई सारे प्ले शुरू होने से पहले जैसे मान के चलिए पूर्व राग जो स्टार्ट किया जाता था उससे पहले क्या होता पूर्व राग इसको परफॉर्म किया जाता था कर्टन के पीछे से बिहाइंड द कर्टन पुष्पा ऑलरेडी मैं पीछे की सारी पीडीएफ दे चुका हूं पपेटर की रह है, वो मैं दे दूंगा क्योंकि मेरे पिछले दो दिन से तबियत बिल्कुल ठीक नहीं थी अभी आपको आवाज और मेरी इन सब चीजों से ही पता चल रहा होगा ठीक है <coughs> ठीक है फिर आता था सूत्रधार सूत्रधार का मतलब क्या होता है सूत्रधार डायरेक्टर मैनेजर जो सारी चीजों को मैनेज करा सूत्रधार ठीक है दोस्तों वो सारी सारी की चीजें हैं प्लीज भगवान का आशीर्वाद लिया जाता जाता था था फिर प्ले को शुरू किया ठीक है है क्लियर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून पी दे दिया था जैनुल मैंने उसी के अंदर में शायद क्यों नहीं मिला मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा इसमें मास्क वगैरह यूज नहीं होते थे दोस्तों इस चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है मास्क वगैरह यूज नहीं थे कर्टन का यूज किया जाता था सारी की सारी चीजें होती थी और नाटक के अंदर में तीन चीज होती थी नायक हीरो नायिका हीरोइन और विदूषक ये अच्छा क्वेश्चन विदूषक विदूषक कौन क्लाउन जो हंसाता है लोगों को क्या करता था हंसाता लोगों को हंसाते थे प्लीज याद रखना विदूषक क्लाउन ठीक है दोस्तों नायिका मेल होते थे वो सारे के सारे अलग अलग पर्सनैलिटी में होते थे काइंड हार्टेड शांत होते थे उदाता यानी कि क्या होते थे एजिटेटेड गुस्से वाले एरोगेंट होते थे ऐसे कई सारे ठीक है दोस्तों ठीक है ये सारी चीजें बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं बस याद रखिएगा एग्जाम में कभी भी आ जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूं ठीक है ठीक है दोस्तों विदुषिका क्या होते थे वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे लोगों को हंसाने का, का काम करते थे सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट बोलते थे और क्या होता था प्राकृत भाषा का भी इस्तेमाल करते थे संस्कृत के अलावा प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा जैसे अभी होता है ना सटायर मारा जाता है अरे जी देखना क्या होता है तो ऐसे जो तो सटायर होता है ये विदुष का मारा करते थे उस समय पे तो चलिए अब शुरू करते हैं हम सारे के सारे प्लेज के बारे में देखना जो संस्कृत थिएटर्स हैं अभी जो हमारी कंट्री के अंदर में एशियन टाइम से हैं उनके बारे में देखना शुरू करते हैं तो डिक्लाइन होना क्यों शुरू हुआ दोस्तों संस्कृत जो भाषा थी संस्कृत की भाषा में जो लिखते थे वो धीरे धीरे प्लेज लिखने की जगह कहाँ चलने जाने लग गए आशिकी वाली पोएट्रीज लिखने लग गए ठीक है वो उसमें लिखने लग गए उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी लग उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी लग तो क्या हुआ प्लेज कम होने लगे अब प्लेज कम होने लगे तो परफॉर्म कहां से करेंगे जब कुछ है ही नहीं लिखा हुआ तो प्लीज याद रखा एक रीजन ये था दूसरा रीजन ये क्या था दोस्तों ऑर्थोडॉक्स ठीक है ऑर्थोडॉक्स होने के कारण मुस्लिम रूलर्स जो थे वो संस्कृत थिएटर को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे ये सारी चीजों के कारण में क्या हुआ संस्कृत थियेटर्स डिक्लाइन की तरफ में चले गए दोस्तों सबसे पुराना संस्कृत थिएटर प्लीज इसको सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा क्या नाम है कूदी कहां से रिलेटेड है कोई नाम बता सकता है केरला से रिलेटेड सबसे पुराना है ठीक है दोस्तों फर्स्ट रीजन <coughs> समझ में नहीं आया पुष्पा फर्स्ट रीजन ये है कि पहले लोग प्ले लिखते थे पूरी की पूरी कहानी लिखते थे स्टोरी टाइप में पूरी की पूरी बुक लिखते थे ठीक है फिर क्या हुआ जो राइटर थे उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लग गई किससे पोएट्री से कविताएं लिखने लग गई तो कौन पूरा बुक लिख के पूरी एक सौ दस एक पेज का दे, उससे गया तो यानी कि संस्कृत के जो राइटर थे उनको पॉपुलैरिटी किसमें मिलने लग गई पोएट्री में मिलने लग गई ये एक रीजन था डिक्लाइन होने का ये भी एक क्या था रीजन था डिक्लाइन होने का ठीक है क्लियर है तो कूदी अट्टम प्लीज याद रखना दोस्तों केरला के अंदर में है

मिजवाऊ और प्लीज इन दोनों का याद नाम रखना टू हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन या फिर कहां पर यूज किए जाते थे या फिर ये क्या है ये प्लेस है लोकेशन है झील है क्या इंस्ट्रूमेंट है डांस की फॉर्म है ऐसे करके क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है ठीक है दोस्तों अब फोक थिएटर की तरफ आते हैं आप सभी को पता है फोक थिएटर जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग रीजन में होते थे तो उन फोक थिएटर के बारे में हम देखना शुरू कर देते हैं ठीक है फोक थिएटर सबसे पहला आता आता है है सबसे पहला फोक थिएटर कौन सा आता है दोस्तों अंकिया नाट कहां से रिलेटेड है आसाम से रिलेटेड है प्लीज किससे रिलेटेड है आसाम से रिलेटेड है वैष्णव संत शंकरादेव जी ने शुरू किया था दोस्तों जो किसके माधव देव जी के क्या थे शिष्य थे फिफ्टी टू सिक्स सेंचुरी के अंदर में प्लीज याद रखना दोस्तों और लॉर्ड कृष्णा जी की पूरी, की पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर में दिखाई जाती है अंकिया नाट प्लीज याद रखना अंकिया नाट प्लीज याद रखना अगला आता है रामलीला उत्तर प्रदेश में बहुत देखा होगा आपने फोक रीजन है उत्तर प्रदेश का प्लीज याद रखिएगा दोस्तों प्लीज याद रखना और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों लास्ट या उससे दो तीन साल पहले एक बार क्वेश्चन आया कि इसके अंदर में जो मेल एक्टर्स थे दोस्तों वो ही सीता का रोल परफॉर्म करते थे तो ये सच है स्टेटमेंट प्लीज याद रखना दोस्तों प्लीज याद रखना कि सीता जी का जो रोल था वो मेल एक्टर ही परफॉर्म क्या करते थे ठीक है दोस्तों रामलीला आता है रास लीला। आप आपसे ने कृष्ण जी और राधा जी के बारे में सुना होगा ये गुजरात और नॉर्दर्न इंडिया का जो पूरा का पूरा रीजन है वहां पर किया जाता था प्लीज याद रखिएगा रास लीला अगला आता है भूटा आराधना भूत आराधना जिसको बोलते इंग्लिश में भूटा आराधना बोल देते हैं भूत आराधना ये कहां पर होता था कर्नाटका में होता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो हमारे लोग मर गए हैं डेड एंसेस्टर्स हैं जो पूर्वज हैं मृत उनकी पूजा करना उनको आराधना करना ये कहां पर कर्नाटका में होता था प्लीज याद रखना <coughs> किसी को कोई डाउट है रमन, जो भूमियाल देवता है कहां पर उत्तराखंड के अंदर उनकी पूजा करना गढ़वाल रीजन गढ़वाल रीजन के अंदर में वहां पर रमन, प्लीज याद रखना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखना रमन कहां से रिलेटेड है उत्तराखंड से रिलेटेड है और किसके लिए भूमियाल देवता के लिए यूनेस्को की दोस्तों ये लिस्ट के अंदर में आता है कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में भी आता है दोस्तों प्लीज थीके? थीके दोस्तों? है याद रखना इस चीज को ठीक है ठीक है दोस्तों क्लियर है यहां तक क्लियर है भाई अब आता है भवई जैसे भाई बोला वैसे भवई भवई कहाँ से रिलेटेड है राजस्थान से रिलेटेड कहां से रिलेटेड है राजस्थान से रिलेटेड है प्लीज याद रखना ये बस खाली ये सारे के सारे नाम याद रखना सारे के सारे ये साथ दस कठिया दस कटिया कहां से रिलेटेड है कहां से रिलेटेड है उड़ीसा से रिलेटेड है इसके अंदर में दो नरेटर होते थे दो नरेटर होते थे गायक जिनको गाते थे एक होते थे चीफ सिंगर और एक होते थे पालिया ठीक है ठीक है दोस्तों जो पीछे पीछे साथ में दोहराते रहते थे ठीक है ये प्लीज याद रखिएगा प्लीज याद दस का इसके बारे में होता था शिव जी के बारे में जिक्र होता रहता था इसके अंदर में कहा से रिलेटेड है उड़ीसा से रिलेटेड है बस इतना याद रखना है अगला आता है गरोडा. गरोडा गरोड़ा गरोड़ा कहां से रिलेटेड है गुजरात से रिलेटेड है कहां से रिलेटेड है गुजरात से रिलेटेड है जहां पे रोमांस के साथ साथ में उनकी ताकत की कहानियों को क्या किया जाता था किया जाता था वीरता की कहानियों को बयान किया जाता था ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं जात्रा जात्रा कहां से रिलेटेड है त्रा कहाँ से रिलेटेड है ईस्टर्न इंडिया से रिलेटेड है दोस्तों और ये आपके जो वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जी थे उनके द्वारा शुरू किया गया था प्लीज याद रखिएगा ओपन ईयर परफॉर्मेंस की जाती थी इसके अंदर यात्रा करीला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कई सारे लोग इस नाम के साथ में साउथ का अगर ऑप्शन होगा वहां पे टिक कर देंगे तो करीला ये कहाँ का रिलेटेड है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों प्लीज याद रख रात में होता था छोटे छोटे स्मॉल प्लेज होते थे पे करी इलाके के अंदर प्लीज याद रखना दोस्तों ओपन थिएटर है किसकी बात कर रहे थिएटर की बात कर रहे हैं अभी यानी कि नाटक होता है तो इन सबके नाटकों के नाम है थिएटर्स के नाम है तो करीला कहां से रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है ठीक है दोस्तों मार्च मध्य प्रदेश से रिलेटेड है मालवा रीजन के अंदर में है दिस इज डबल ट्रिपल फोर टाइम इंपॉर्टेंट ठीक है दोस्तों और इसके अंदर में क्या होता है

और इसके अंदर में दोस्तों जो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी थी ना उसके अंदर भी नोटंगी का जिक्र मिलता है दैट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ अकबरी किसने लिखा था तो लिखा था अबुल फजल में क्या आईने अकबरी में क्या नोटंगी का जिक्र मिलता है हाँ जी मिलता है तो नोटंगी कहां पर था दोस्तों नॉर्थ इंडिया के पूरे के पूरे रीजन के अंदर में आता है ठीक है क्लियर है क्लियर है ओजपल्ली पल्ली ओजपाली कहां से रिलेटेड है आसाम से रिलेटेड है दोस्तों थी है याद ना सांपों की और आप सभी ने वो देखा होगा जो मंजूश्री पेंटिंग हम यह कर रहे थे ना याद आ गया मंजूश्री पेंटिंग तो मानसा प्लीज याद रखिएगा क्या है सांपों तो की जो देवदी देवी कही जाती है उनके रिलेटेड है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा ठीक है यहाँ पर अलग अलग पार्ट होते हैं बनिया कंडा भतियाली कांड खंड खंड देव खंड ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर की जाती है ओजपली के अंदर में कहा से है आसाम से है दोस्तों आसाम से प्लीज यार क्या है बनिया खंड भतियाली खंड देव खंड दोस्तों प्लीज याद रखना अगला आता है पौड़ा शिव से रिलेटेड अफजल खान को जब शिव ने मारा तो वहां पर दोस्तों पोवाड़ा आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा काफी सारे ये गाया जाता है काफी सारी चीजें होती है महाराष्ट्र रीजन के अंदर प्लीज याद रखना दोस्तों ठीक है प्लीज याद रखना शिवाजी से रिलेटेड कहानियां इसके अंदर में पूरे का पूरा लिखा गया था प्लीज याद रखेगा पोवाड़ा प्लीज याद रखिएगा दोस्तों ठीक है प्लीज याद रखिएगा याद रहेगा पोवाड़ा महाराष्ट्र से रिलेटेड है शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज स्वांग स्वांग क्या है दोस्तों राजस्थान और हरियाणा में होता है दोस्तों स्वांग एंटरटेनमेंट का अलग तरीका है दोस्तों प्लीज याद रखिएगा हारमोनियम सारंगी ढोलक बजाते बजाते किया जाता है ठीक है स्वांग अगला आता है तमाशा तमाशा अगर नाम सुनोगे तो सारे के सारे कह दोगे तमाशा किससे रिलेटेड है यूपी से रिलेटेड होगा किसी से तमाशा रिलेटेड है आपके महाराष्ट्र से और ये ऑलरेडी क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके हरियाणा पीसीएस के अंदर में तमाशा कहाँ से रिलेटेड तमाशा कहाँ से रिलेटेड है महाराष्ट्र से रिलेटेड इसी में ही दोस्तों लावणी जो डांस होता है जो सॉन्ग होता है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं वो परफॉर्म किया जाता है तमाशा फिर भांड पथेर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आसाम का जो मजूली आइलैंड है एक ही आइलैंड है जो रिवर आइन के ऊपर में है दोस्तों मजूली आइलैंड ठीक है वहां पर परफॉर्म किया जाता है आसम के अंदर मजूली आइलैंड में भांड पथेर प्लीज याद रखना दोस्तों प्लीज याद रखना प्लीज डबल स्टार मार्क कर लो इस चीज को ठीक है भोवाना ये भी किससे रिलेटेड है आसाम से रिलेटेड है मजूली आइलैंड प्लीज याद रखना भोवाना ये भी याद रखना दोस्तों और ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं लास्ट ईयर दोस्तों ये न्यूज में भी था भोआना अगर आप सभी ने थोड़ा सा भी देखा होगा न्यूज को फॉलो करोगे तो न्यूज में भी था दोस्तों दश अवतार अब दश अवतार भी आप नाम सुनोगे तो दस अवतार कृष्ण राम जी की वो क्या नाम रावण की बात हो रही होगी तो ये कहां पर होता होगा ये यूपी में होता होगा नहीं ये कहां पर है कौन जो रीजन है आपका महाराष्ट्र और कहां पर दोस्तों गोवा से रिलेटेड भगवान विष्णु जी के बारे में इसमें जिक्र होता है दस अवतार उनके उनके दस अवतार के बारे में वही मैं कह रहा हूं कि आप सबके सब दस अवतार जैसी पढ़ोगे आप सबके सब कहोगे सब रावण दस सिर वाला रावण आप सारे सारे उधर चले जाओगे नहीं ये दस अवतार किसकी विष्णु जी की बात करते हैं और ये कहां पर होता है दोस्तों कौन में और गोवा के अंदर होता है प्लीज याद रखना दोस्तों प्लस, प्लस प्लीज याद रखना कौन रीजन के अंदर में नकल और भांड कहां से रिलेटेड है नकल यानी कि मिमिक्री करना दोस्तों और इसे बाद में उत्तर मतलब यूपी में इसे नकल बोला जाता है मिमिक्री जो परफॉर्म की जाती है और यूपी में इसे भांड बोला जाता है प्लीज बहरूपिया नकलची ये सारे के सारी चीजें वर्ड हैं किससे रिलेटेड यहीं से रिलेटेड ठीक है, है। दोस्तों साउथ इंडिया में आ जाते हैं और मैंने आपको बताया संस्कृत क्लासिकल थिएटर के साथ साथ में जैसे जैसे नॉर्थ में डिक्लाइन होना शुरू किया ये एट सेंचुरी के अंदर में साउदर्न पार्ट में क्या होने लग गया वहां पर वो चीजें क्या होने गेन करने लगी लग जैसे आता है कि विल्लू पाटू विल्लू पाटू का मतलब क्या होता है गाना धनुष बो बो धनुष वाला गाना ऐसे कर करके ठीक है दोस्तों ये कहां पर केरला में किया जाता है विल्लू पाटू प्लीज याद रखना कहां से रिलेटेड केरला से रिलेटेड रामायण की पूरी की पूरी में किया जाता है और विल्लू पाठू क्यों बो का मतलब क्या धनुष तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो भी धनुष के जैसा होता है थोड़ा सा ऐसे प्लीज याद रखना विल्लू पाठू किससे रिलेटेड है केरला से रिलेटेड है केरला से रिलेटेड है प्लीज याद रखिएगा ठीक है दोस्तों क्लियर है विल्लू पाटू फिर यक्षगना ये भी आपके केरला और कर्नाटका के अंदर में अभी तक चल रहा है अभी तक के, केरला के अंदर में यक्षगना विजयनगर एम्पायर के समय शुरू किया गया था हाँ जी पूछो ठीक है पूछो और केरला के अंदर के। के में यक्षगना डबल स्टार मार्क कर लो इसे यक्षगना ठीक यक्षगना। है? है कहां से रिलेटेड से रिलेटेड कहां से रिलेटेड दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ठीक है बोरा का मतलब क्या होता है दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है ना उसको बोला जाता है प्लीज याद हाँ। <coughs> मैं ले आऊंगा वैशाली में इसका डाउट आपका क्लियर कर दूंगा टेंशन मत लीजिए आगे आते हैं पगति वे शालु पगति पे आते हैं मुझे भी जहां तक पता है कि भांड पथेर जम्मू एंड कश्मीर का ये बट एक बार मैं दोबारा चेक कर लूंगा कहीं कुछ आ, उसमें जब नितिन सिंघा ने सब बनाते समय कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ठीक है तो ये कहाँ से रिलेटेड है आपका तेलंगाना से रिलेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर में किया जाता गा? है ठीक है प्लीज याद रखिएगा तेलंगाना से रिलेटेड आंध्र प्रदेश के अंदर में किया जाता है ठीक है बयालता ऑलरेडी बयालत्ता सारी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ से रिलेटेड कर्नाटका से रिलेटेड लोकल डी के बारे में क्या था राधा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में इसमें बताया जाता है प्लीज़ याद रखिए इन सब चीज़ों को दोस्तों आप मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा कि इतने सारे नाम है कैसे याद रख सकते हैं एटलीस्ट साउथ के कुछ याद कर लो नॉर्थ ईस्ट का जैसे भुवाना है वो याद कर लो प्लीज़ याद रख लेना ठीक है ताल मदाले ताल मदाले ताल मतलब सिंबल दोस्तों ठीक है हाँ बिल्कुल अवेलेबल पूरी की पूरी प्ले अवेलेबल है आप उसको देख सकते हैं ठीक है ताल मदाले प्लीज़ याद रखिए दोस्तों आप मुझे पता है ये ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या करना है क्यों करना है ठीक है दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन क्या करें ठीक है हेयम किससे रिलेटेड है केरला से रिलेटेड और कुछ याद करना मत करना ये जरूर याद कर लेना क्योंकि हिंदू न्यूज़ पेपर में ओनम के समय पर कम से कम तीन से चार बार ये न्यूज में था हेयम हेयम प्लीज याद रखना कहाँ से रिलेटेड है केरला से रिलेटेड प्लीज hey, um. याद रखना दोस्तों हेयम प्लीज याद रखना दोस्तों ठीक है हेड गियर पहनते हैं और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनके ठीक है कृष्णट्टम ये कहाँ से रिलेटेड है ये भी केरला से रिलेटेड है कृष्ण टम ये भी किससे रिलेटेड है केरला से रिलेटेड रिले नाम से आपको पता ही चल रहा है किससे रिलेटेड है कृष्ण जी से रिलेटेड भगवान कृष्ण जी से रिलेटेड है आठ रातों तक लगातार होता है ये आठ रातों तक लगातार होता है अगला आता है कुरुवंजी कुरुवंजी कहां से रिलेटेड है जो तमिल के अंदर में तीन सौ साल पहले दोस्तों जो तमिल पोएट्री और जो गाने हैं ना उनको परफॉर्म किया जाता है कुरुवंजी के अंदर में प्लीज याद रखना तमिल कुरुवंजी तमिल ठीक है दोस्तों ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों अब मॉडर्न थिएटर में आ जाओ यहां तक क्लियर है किसी को भी यहां तक किसी को भी कोई डाउट किसी को कोई डाउट है यहां तक किसी को आज हाँ, सब कवर हो जाएगा दोस्त हाँ विशाली आपका जो डाउट था भांड पत्थर वो जैन के रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है फोक थिएटर जो है उसका ठीक है ठीक है दोस्तों तो मॉडर्न थिएटर के अंदर में आ जाते हैं नाट्यशाला के अंदर में आ जाते हैं सबसे पहले आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज किया था उन्होंने सारी की सारी चीज़ें करी तो उसके बाद में छोटे छोटे क्या हुआ था रीजनल लैंग्वेजेस में सारी की सारी चीज़ें शुरू हो गई थी जैसे गुजराती में शुरू हो गए थे आपके मराठी में शुरू हो गए थे पारसी थिएटर्स जो थे वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ में शुरू हो गए थे ऐसे धीरे धीरे करके थिएटर्स डेवलप होना शुरू हुए इवन जैसे रविनाथ टैगोर जी के बारे में बात कर दिया जाता तो वहां पर उन्होंने बंगाल रीजन के अंदर में देखिए वही आ गया ना बंगाल रीजन के अंदर में रविनाथ टैगोर जी ने जो प्ले लिखते थे सबसे पहला जो प्ले था कौन था वाल्मीकि प्रतिभा ये उन्होंने उसी समय उस रीजन के अंदर में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले पूरा भारत पहले नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइडेड था फिर साउथ इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे चल रहे थे लेकिन जब अंग्रेज आए उसके बाद में जो छोटे छोटे रीजन थे पूरे भारत के अंदर में जैसे यहाँ पर गुजरात वाला रीजन हो गया महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया यहाँ पर बंगाल वाला रीजन हो गया उधर क्या मैं राजस्थान वाला रीजन हो गया ये सारे के सारे रीजन थे यहां पर भी धीरे धीरे करके परफॉर्म करना शुरू कर दिया ठीक है और उन्होंने बीस साल की उम्र में दोस्तों क्या लिखा था ठीक है दोस्तों ये ये क्या था वाल्मीकि प्रतिभा वाल्मीकि प्रतिभा दोस्त पीडीएफ से क्या लेना देना आपको आप बताइए ना मैं मतलब पीडीएफ आपको शेयर कर हिंदी में कैसे बनता है हिंदी में कैसे बनता है या तो ट्रांसलेट होता है या तो टाइप करते हैं यही तो एक चीज होती है ठीक है दोस्त तो वाल्मीकि प्रतिभा याद रहेगा वाल्मीकि प्रतिभा ठीक है फिर उन्नीस के अंदर में दोस्तों इंडिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ये बना कल्चरल विंग थी किसकी कम्युनिस्ट पार्टी की अब दोस्तों आप सोचोगे ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आप सभी को ध्यान होगा दो साल पहले यूपीएससी ने क्रोनोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन बनाया गया प्रोनोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन बनाया प्रोनोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन बनाया तो प्लीज याद रखिए कभी कभी एसोसिएशन की ईयर की फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये पूछ लेंगे इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ये कांग्रेस का एक क्या था कल्चरल विंग था तो आप कहोगे नहीं ये क्या था कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था ठीक है 1947 में इसको खत्म कर दिया था प्लीज याद रखिएगा दोस्तों ठीक है प्लीज याद रखिएगा 1943 और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आजादी के बाद बना था तो कह दोगे नहीं 1943 के अंदर बना था तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं प्लीज याद कई बार क्या होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस को मिस कर देते हैं ठीक है आप सभी ने पृथ्वीराज कपूर जो वो नाइनटीन फोर्टी फोर में स्टैब्लिश किया गया इस चीज को ध्यान रखिए एग्जाम के से वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक? बट क्या है ये क्रोनोलॉजी में कभी आ सकता है जैसे 1952 में संगीत नाक नाटक अकेडमी को स्टैब्लिश किया गया कब किया गया 1952 में प्लीज याद रखिएगा आपको दे देंगे अठारह सौ इकसठ में अंग्रेजों ने किसी ने किया था या किसी ने किया था तो किसने किया था दोस्तों ये नाटक अकेडमी दोस्तों प्लीज याद रखिएगा संगीत नाटक अकेडमी कब 1952 में किया गया था प्लीज याद रखिएगा ठीक है नेशनल ड्रामा को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए सारी, -सारी की सारी चीजें की गई थी अब कुछ नाम याद रख लीजिए दोस्तों कला क्षेत्र मणिपुर इसके द्वारा किया गया था कन्हैया लाल जी के द्वारा 1969 में मणिपुर केन्द्र में किया गया था ठीक है प्लीज याद रखना इनको हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए मणिपुर से रिलेटेड अगर आएगा तो ठीक है दोस्त अगला आते हैं कहाँ है? से रिलेटेड है कन्नड़ से रिलेटेड रिलेटेडा और आद्य रंगचार्य ये दोनों किससे रिलेटेड है कर्नाटका किस से रिलेटेड है भूपाली वेंकट पतंगा ये किससे रिलेटेड है यही कर्नाटका से रिलेटेड है ठीक है केवंपू बोलते हैं इन्हें केवंपू क्या बोलते हैं केवंपू भी बोलते हैं प्लीज ये चीजें

पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लीजिए या फिर कह लीजिए अठारह के बाद में जो ये थिएटर बने हैं उनके बारे में हमने तीन फेज में किया सबसे पहले क्या थिएटर होता क्या है थिएटर होता क्या है चलिए भाई बिल्कुल थिएटर 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 कर लिया के अंदर में संस्कृत क्या होता है सबसे पुराना हमने कर लिया क्या है केरला से रिलेटेड है फिर उसके बाद में हम आगे थिएटर के संस्कृत वाले डिक्लाइन हो गए रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग भाषाओं में बनने लग गए और भाषाओं में बनने लग गए फिर हमने एक एक फोक थिएटर को कर लिया अलग अलग रीजन के अंदर में फिर उसके बाद में हम आगे कैसपे आगे इस्लामिक वगैरह आ गया था मुगल आ गए थे तो थिएटर बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गए फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो दोबारा से चीजें क्या हुई डेवलप होना शुरू हुई और ये हम उन सब चीजों के अंदर बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों क्लियर है पूरी क्रोनोलॉजी आपको ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है आप ये बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो रैंक है जागृति अवस्थी जी वो आपके यहीं से है टॉप फिफ्टी रैंकर्स दोस्तों जो सारे के सारे हैं वो किससे रिलेटेड अन अकेडमी से रिलेटेड है आप दोस्तों कॉम्बैट में आ सकते हैं दोस्तों ठीक है कॉम्बैट में आ सकते हैं और कॉम्बैट के अंदर में पी आर ए एस एच ई कोड यूज कर सकते हैं आप सभी के सभी ये सारी की सारी चीज़ें हैं प्लस आइकॉनिक और ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप मिलेंगी सब कुछ प्लस और आइकॉनिक में सारे के सारे क्या है प्लस और आइकॉनिक में प्लस में आपको क्या मिलता है पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा जब बारह महीने की फीस देखिए फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी आइकॉनिक में आपको गाइड भी मिलेंगे मेन्टोर भी मिलेंगे जो प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे ठीक है और बारह महीने की फीस कितनी है सिक्सटी सेवन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको हाँ मैं पी डी एफ दे दूंगा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पर्सनल लेवल पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ये रिविजन सीरीज़ है यार आप अगर चाहते हो कि सात दिन के अंदर पूरा का पूरा मैं आर्ट एंड कल्चर कम्प्लीट करवा दूँ तो नहीं हो पाएगा ठीक है नहीं हो पाएगा इस चीज़ की आप भी लिमिटेशन समझते हो मैं भी लिमिटेशन तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से है कहाँ से रिलेटेड है कौन से एरिया से केरला से रिलेटेड है अब उसके अंदर की पूरी, की पूरी की पूरी कहानी अगर बतानी होगी मुझे तो उसके लिए पूरा पर्टिकुलर कोर्स लेकर आना पड़ेगा समझिए तो मैं पी आपको दे दूंगा ठीक है ठीक है दोस्तों तो ये आप बारह महीने की फीस ऑप्शनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए बैच शुरू हो रहे हैं दोस्तों अठारह अक्टूबर से बैच शुरू हो रहे हैं आंसर राइटिंग के बैच शुरू हो रहे हैं उनतीस सितंबर से दो साल के बैच शुरू हो रहे हैं ठीक है दोस्तों तो ये सारी की सारी चीजें वीकेंड का करंट अफेयर बैच जो सिंपलीफाइड शुरू हो रहा है उनतीस अक्टूबर से शुरू उनतीस सितंबर से शुरू हो रहा है ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं आप सभी के लिए आप कोड की अप्लाई कर सकते हैं पी आर एस एच अनकेडमी एडर्स को प्रशांत तिवारी को ज्वाइन कर सकते हैं पी मैं आज शाम तक तो आपको शेयर कर दूंगा शाम तक आपको पी में शेयर कर दूंगा उस चीज़ की टेंशन मत ली ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगले सेशन में ध्यान रखिए अपना मन लगा के पढ़िए बाय बाय ठीक है और फिर दोस्तों ये सिर्फ एक रिविजन सीरीज है इसको एज ए ये मत समझिएगा कि आपकी बुक रिप्लेस हो गई है ये सिर्फ एक रिविजन सीरीज है बस दैट्स ऑल बाय बाय टेक बातों